Assalamualaikum जी, मैं हूँ यमुना मुस्लिम। आगे जी फिर से आपकी बहन आपको कुछ नया बताने, सिखाने और समझाने के लिए। अच्छा जी, आज मैं एक क्रीम के बारे में बात करने वाली हूँ। ये ऐसी क्रीम है जिसके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि जैसे इसको डार्क एल्बोस या फिर डार्क नकल्स पर अप्लाई किया जाता है हल्के मसाज के बाद, जैसे इसको वाइप आउट किया जाता है किसी भी टिश्यू या कपड़े के साथ, तो आपकी जो ब्लैकनेस होती है, चाहे वो एल्बोस की हो या नकल्स की हो, वो रिमूव हो जाती है। अच्छा भाई, इस मिरेकल को फ्यूसिडिन से मंसूब कर दिया जाता है। मैं इस जादू मंत्र को 100% तो सही नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ ना कुछ सच्चाई इसमें है जो कि मैं आगे चल के आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे जो लोगों का रिस्पांस मिला, जो स्क्रीन पर आप लोगों को शो हो रहा होगा, उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर बर्न स्कार्स के लिए यूज की जाती है, और बहुत सारों ने ये भी कहा कि ये पस वाले पिंपल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। उनकी ये बात काफी हद तक ठीक है कि ये एक्ने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक क्रीम है और इसमें कोई शक नहीं कि ये पस वाली एक्ने के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा भाई, बहुत सारे डॉक्टर्स इसे पीप वाले दानों और वो पिंपल्स जो पिस्टूल्स बन जाते हैं उनके लिए ही प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, इस क्रीम की जो खास बात है वो ये है कि ये बैक्टीरिया को, जो पिंपल के अंदर बैक्टीरिया होता है, उसको खत्म वतम नहीं करती, ना ही उसको मारने की इसके अंदर सलाहियत होती है, बल्कि ये क्या करती है कि उसकी ग्रोथ को स्लो डाउन कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं और हमारी बॉडी का ही इम्यून सिस्टम उसे खत्म कर देता है। समझ आ गई है इस क्रीम के क्या फायदे हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक है। अच्छा भाई, इस क्रीम को हमारे यहाँ बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स और ब्यूटी शॉप्स पर जो फार्मूला क्रीम्स बनाई जाती है ना, उनके अंदर यूज किया जाता है, खासतौर पर एक्ने के लिए। और आपको तो पता ही है कि जो क्रीम मेडिकल स्टोर से निकलकर कॉस्मेटिक शॉप पर पहुंच जाए, तो उसको हम लोग इस्तेमाल करना अपने ऊपर फर्ज समझते हैं, लाजिम समझते हैं। जिस तरह बिटनोवेट, डर्मोवेट, क्लोबीवेट वगैरह, मतलब हम लोग उसे अपने लिए बिल्कुल सेफ समझते हैं और सुनी सुनाई बातों को सच समझकर बेधड़क उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। वैसे सोचने की बात है कि ये गलत प्रैक्टिस नहीं है। अब मेरी बहुत सारी बहनों ने कहना है कि आप ही असल में इसका इस्तेमाल क्या है, जरा आप बता दीजिए। तो असल में मेरी प्यारी बहनों, इसका इस्तेमाल ये है कि ये एक एंटीबायोटिक क्रीम है जो कि डॉक्टर्स मेडिकल कंडीशंस में ही आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि इचिंग हो गई, स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गई, बर्निंग हो गई या फिर रैशेस वगैरह, और कुछ कुछ कंडीशंस में इसको एक्ने स्कार्स के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन ये उस मकसद के लिए उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। लेकिन डॉक्टर्स इसको पिंपल्स और पस वाले पिंपल्स के लिए भी प्रिस्क्राइब करते हैं। कहने को तो ये एक आम सी क्रीम है भाई, जो कि किसी भी फार्मेसी से हमें इजीली मिल जाती है, लेकिन इसके नुकसानदेह इस्तेमाल से रोकने के लिए कंपनी ने खुद इस ट्यूब के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लिख दिया है। मतलब कहने का ये है उनका कि ऐसी दवाई जो सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल की जाती है। शुक्र है ये कंपनी आयरलैंड की थी, वरना हम जैसे होते तो हम लोगों ने लिखना था फॉर ऑल स्किन टाइप, फॉर ऑल एज ग्रुप्स, सूटेबल फॉर एवरीवन। माफ कीजिएगा, लेकिन हम ऐसे ही हैं, अपने मुफाद की खातिर दूसरों का नुकसान भूल जाते हैं। खैर जी, यहां पर आकर मेरी अपनी बोलती बंद हो जाती है कि मैं किस मुंह से ये क्रीम आप लोगों को सजेस्ट करूं कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप इसे फेस पर यूज ना करें, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में इसे यूज किया जा सकता है या नहीं, या कौन कौन सी स्किन पर इसे यूज किया जा सकता है। हर तरह की मालूमात है आपकी बहन के पास और मैं बता भी सकती हूं, क्योंकि मेरी आम ऑब्जर्वेशन में भी बहुत सारी बातें आती हैं। चेहरे के अलावा एक इस्तेमाल इसका कुछ बेनिफिशियल लगा है मुझे, वो है डार्क नकल्स और डार्क एल्बोज के लिए। इस क्रीम को किसी खाली जार में डालकर वैसलीन या ग्लिसरीन के साथ मिक्स करके रख लें और सिर्फ डार्क पार्ट्स पर ही अप्लाई करें, उसे कवर करके फिर सो जाएं। सुबह उठकर किसी खुरदरे कपड़े के साथ या टॉवल के साथ उसे थोड़ा रगड़कर साफ कर लें। देखने में आया है कि 60-70% लोगों की डार्कनेस इससे रिमूव हो गई, लेकिन ये काम लंबे अरसे तक नहीं करना, बल्कि 3-4 दिन बस, और फेस पर तो बिल्कुल भी नहीं। सो जी, ये क्रीम आपको फायदा देगी, इस बात को तो हम लोग एक दफा साइड पर रख देते हैं, लेकिन अगर इस क्रीम ने हमारे फेस पर या बॉडी पर किसी किस्म का कोई रिएक्शन या साइड इफेक्ट दिखा दिया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा भला। अच्छा भाई, एक्ने को लेकर मेरी बहुत सारी बहनों ने इससे फायदा भी उठाया है। उनका कहना यह था कि आप ही, हमारी एक्ने किसी भी चीज से नहीं जाती थी, लेकिन जब हमने ये क्रीम यूज की तो हमारी एक्ने खत्म हो गई। लेकिन ठहरिए ठहरिए, अगली बात भी सुन लें कि जैसे ही इस क्रीम का इस्तेमाल उन मेरी बहनों ने छोड़ा, तो एक्ने की जो नई क्रॉप नमूदार हुई वो फिर किसी भी चीज से सेट नहीं हुई और ना ही खत्म हुई। बाज दुकानों और पार्लर्स पर व्हाइटनिंग क्रीम्स बनाने वाले इसको ये कहकर भी ऐड कर देते हैं कि इसके अंदर हेलुरोनिक एसिड है या फिर कस्टमर के चेहरे पर एक्ने है, तो व्हाइटनिंग के साथ साथ एक्ने को खत्म करने के लिए हम इस ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये हथेली पर सरसों जमाने वाली बात है कि शुरू शुरू में तो रंग भी गोरा हो गया, सारी की सारी एक्ने भी ठीक होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, सारा बेड़ा गर्क। सो इस तरह की और भी बहुत सारी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी मत जाया करें और मैच्योर होने का मुजाहरा कीजिए। डॉक्टर की चीज डॉक्टर तक ही महदूद रहने दें, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। मिलते हैं जी आने वाले दिनों में इस तरह की और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।